सऊदी अरब, जिसे अरब जगत का दूसरा सबसे बड़ा देश कहा जाता है, इस देश का नाम आते ही दिमाग में दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की तस्वीर आती है। और आए भी क्यों ना, 2000 स्क्वायर मीटर में फैले सऊदी अरब का 95% एरिया एक गर्म शुष्क रेगिस्तान है, जहां आपको चारों ओर सिर्फ रेत के टीले, धूल भरी आंधियां और झुलसा देने वाली धूप मिलेगी। सऊदी अरब उन कुछ देशों में से एक है जहां आपको एक भी स्थायी नदी नहीं मिलेगी। यहां साल भर औसत वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। पीने का पानी भी इस देश के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सऊदी अरब में खेती करना ना को चने चबाना जितना मुश्किल है। लेकिन अगर आप आज सऊदी अरब के नक्शे को जूम करके देखेंगे तो आपको वहां हरियाली छाई हुई मिलेगी। जी हां, आज आपको सऊदी अरब में चारों ओर लहलहाते हुए खेत दिखेंगे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जिस सऊदी अरब में पीने का पानी भी नहीं है, वो सऊदी अरब अपने यहाँ रेगिस्तान की कायापलट कैसे कर रहा है, कैसे सऊदी अरब अपने रेगिस्तान को हरे भरे जंगलों में बदल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी अपने नॉलेज को एक लेवल ऊपर उठाना चाहते हैं और कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय में सऊदी अरब दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1932 के समय में इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती थी। उस समय यहाँ तेल के भंडार की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब साल 1938 में अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी के अंडर में यहाँ तेल के रिजर्व्स का पता चला तो इस देश में विकास की गाड़ी आगे बढ़नी शुरू हुई। लेकिन अभी भी देश की कुल कमाई का 80% हिस्सा अपने लोगों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था करने में चला जाता था। उस समय सऊदी अरब के केवल 1.5% एरिया पर खेती की जाती थी। लेकिन अगर आप आज के सऊदी अरब के नक्शे को देखेंगे तो वहां आपको हरे भरे सर्कल्स देखने को मिलेंगे। दरअसल ये सर्कल सऊदी अरब के खेत हैं, जिसे उन्होंने अपने यहां विकसित किया है। जिस सऊदी के पास कभी केवल 400 स्क्वायर किलोमीटर कृषि करने के लिए जमीन हुआ करती थी, उस सऊदी के पास आज 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में खेती करने के लिए जमीन है। दोस्तों, खेती का ये इलाका आज नीदरलैंड से भी बड़ा है। दोस्तों, सऊदी अरब भले ही आपकी नजरों में कभी शुष्क रेगिस्तान रहा हो, लेकिन एक समय यहाँ पर झमाझम बारिश हुआ करती थी। लेकिन फिर यहाँ की जलवायु ने ऐसी करवट ली कि वहाँ धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि सऊदी अरब पूरी तरह से एक रेगिस्तान में बदल गया। लेकिन आज भी इसकी सतह में आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन ये पानी यहाँ की जमीन में बहुत ही गहराई में मौजूद है। हालांकि सऊदी के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जिस वजह से इतनी गहराई में पानी निकालने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इस पानी का इस्तेमाल सऊदी सालों से अपने यहाँ खेती के कामों में करते आ रहा है। लेकिन यहाँ समस्या की बात यह है कि ये ग्राउंड वाटर भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। और बात जब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की सिंचाई की हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ग्राउंड वाटर को खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसी समस्या को देखते हुए सऊदी ने अपने यहाँ एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसने यहाँ की खेती के कंसेप्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत आज सऊदी के किसान अपनी जरूरत के अनाज, फल फूल इत्यादि की खेती बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का नाम है सेंटर पिवट इरिगेशन। सेंटर पिवट इरिगेशन क्या है और ये कहाँ से आई है और ये कैसे काम करती है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी की खोज साल 1948 में यूएस के नेब्रास्का के एक किसान ने की थी, जिसका नाम फ्रैंक ज़िबैक था। उस समय इस टेक्नोलॉजी को स्प्रिंकलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था और साल 1952 में इसे सेंटर पिवट के नाम से पेटेंट करा लिया गया। इस टेक्नोलॉजी को खेती के कामों में लाने के लिए सऊदी अरब में खेतों का आकार गोल बनाया गया और खेतों में पानी देने के लिए स्प्रिंकल सिस्टम को इस्तेमाल में लाया गया। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सिंचाई की इस मेथड में एक बड़ा रेडियल पाइप होता है जो स्प्रिंकलर सिस्टम को सपोर्ट करता है। इस पाइप में फसलों को पानी देने के लिए समान दूरी पर नोजल लगे होते हैं। नोजल के साथ लगा हुआ पाइप धीरे धीरे चारों ओर घूमता रहता है। जैसे जैसे ये पाइप घूमता है, फसलों को पोषण प्रदान करने के लिए उस पर नोजल से एक
एक समान रूप में पानी का छिड़काव होता रहता है। दोस्तों सेंटर पिवट इरिगेशन की रेडियल पाइप सिस्टम के द्वारा पूरे खेत में एक साथ पानी का छिड़काव किया जा सकता है। पाइप के सभी नोजल से पानी एक समान मात्रा में बाहर निकलती है और ये एक सेम एरिया को कवर भी करती है, जिस वजह से ये टेक्नोलॉजी सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाकों के लिए एक वरदान साबित होती है। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से किसानों को पूरे खेत में अलग अलग पानी देने की जरूरत महसूस नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी में जमीन के नीचे से पानी को खींचने के लिए एक पावरफुल मोटर को लगाया जाता है और स्प्रिंकलर नोजल को जमीन के करीब लगाया जाता है ताकि सनलाइट के वजह से पानी भाप बनकर उड़ने न पाए। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आज एक बहुत बड़े एरिया की भी सिंचाई करना काफी आसान हो गया है। इसमें 133 से लेकर 155 एकड़ तक के एरिया में पानी का छिड़काव एक समान रूप से किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से खेतों में न सिर्फ पानी का छिड़काव किया जा सकता है बल्कि इसकी मदद से कीटनाशक दवाओं और उर्वरक का भी छिड़काव करना आसान हो जाता है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत ही कभी वीरान रेगिस्तान कहलाने वाला सऊदी का बहुत सा एरिया एक हरे भरे जंगल में कन्वर्ट हो चुका है। एक समय जो सऊदी अरब अपने खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था, आज वो अनाज के लिए आत्मनिर्भर बन चुका है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से खेती में क्रांति तो आ गई, लेकिन पानी की समस्या अभी भी पहले जैसे ही बनी रही। ग्राउंड वाटर का लगातार इस्तेमाल होने की वजह से सऊदी में ग्राउंड वाटर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में अपने लोगों के लिए पीने का पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सऊदी अरब अरेबियन सागर के खारे पानी को फिल्टर करके मीठे पानी में बदलना शुरू कर दिया है। हालांकि ये काम इतना भी आसान नहीं है, इसमें सऊदी अरब अपना पैसा पानी की तरह बहा रहा है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आने वाले समय में पानी की किल्लत से बचने के लिए सऊदी ने अपने यहाँ कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इसमें से एक वेस्टर्न पेनिनसुला का एक प्रोजेक्ट भी था जिस पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के परमा कल्चरिस्ट नील स्पेकमैन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायो एथिक्स और फ्यूचरिस्ट मोना हेमडी ने एक साथ काम करना शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सऊदी के अल बायदा इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए चेक डैम्स का निर्माण करवाया गया ताकि वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने बारिश के पानी को स्टोर करने की तरीके पर भी काम किया। इस एरिया को हरा भरा बनाने के लिए वहां कई सारे पेड़ लगाए गए। इस प्रोजेक्ट में सऊदी ने पानी की तरह पैसा बहाया, बावजूद इसके इस प्रोजेक्ट में पहली बार सफलता नहीं मिली, जिसके बाद साल 2016 में बारिश की कमी को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। साल 2018-19 में हुई मूसलाधार बारिश ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा कर दिया और बंजर पड़ चुकी सऊदी की ये जमीन हरे भरे खेतों से लहलहा उठी और शायद एक दिन अलबायदा की तरह पूरा सऊदी अरब भी हरे भरे पेड़ पौधों से खेल उठेगा। तो दोस्तों सऊदी अरब की हरियाली का ये राज क्या आपको पहले पता था? यस या नो में अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।